गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तरन्नुमनाथ है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय अमैन नाबाद में एक प्रखंड शिक्षिका के रूप में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। इसके पूर्व मैंने शासकीय महाविद्यालय सोनहत जो कि छत्तीसगढ़ में है एज अ गेस्ट लेक्चरर 2 वर्षों तक शिक्षा कार्य किया था। मेरी शैक्षणिक योग्यता MSc जूनियर और प्रशैक्षणिक योग्यता BEd है। बिहार राज्य के मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अरवल जिला पहले जहानाबाद जिले का ही एक भाग था जो अगस्त 2001 में अलग होकर एक नए जिले के रूप में सामने आया। अरवल जिले को सोन नदी का वरदान, सती माता मंदिर, छोटा बाबा मंदिर, वहाँ की बागेश्वरी माई, मधुशर्मा में ऋषि आश्रम और बुद्धेश्वर नाम इस जिले के पवित्र स्थल है। स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय अमैन है कि बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के जहानाबाद कटनी में। स्कूल में कुल 750 विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। के दौरान मैंने यह अनुभव किया है सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ और समान रूप से नहीं सीखते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो पहले मुझे लगा था कि शायद जो बच्चे सामने बैठते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो जल्दी सीख लेते हैं और पीछे वाले बच्चे कम ध्यान देते हैं और वो जल्दी सीख नहीं पाते। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के थ्रू जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें प्रशिक्षण लिया तो मैंने सीखा, मुझे पता चला कि ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षकों के द्वारा और शिक्षकों के लिए ही चलाया जाता है, जिसमें जो प्रत्येक शिक्षक है उनके इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं या नवाचार वो सिर्फ उनके विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि संपूर्ण देश के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ शेयर किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि बच्चों में बहुत से बदलाव देखने को मिले। पहला तो बच्चे शिक्षा मतलब पढ़ने में रुचि लेने लगे और जो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी अनुपस्थिति वाली, तो मैंने देखा कि मेरी उस समस्या का समाधान मुझे मिल गया। बच्चे रोज़ रोज़ विद्यालय आने लगे। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से हमें जो प्रशिक्षण मिला उसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक और जी सुजीत कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से हमें अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में